जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि अगर हमारे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है तो फिर हम सिलेक्शन की बात कैसे कर रहे हैं। मुझे भी पता है कि अगर आप किसी भी कोर्स को बहुत जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोचिंग का रोल वहां पर बढ़ जाता है, लेकिन क्या करें, नहीं है हमारे पैसे तो क्या हम सपना देखना छोड़ दें, क्या हम आगे बढ़ना छोड़ दें, या फिर हम ये मान लें कि चलो इस बार नहीं तो अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं आपको यहाँ पर कुछ विकल्प बताने आया हूँ। फिर से क्लियर कर दूँ, हमारे पास कोई कोर्स नहीं है, मैं कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, कोई नोट ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको खरीदना पड़े। मैं वह बताऊंगा जिसमें एक भी पैसा आपका खर्च होने वाला नहीं है। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लाखों विद्यार्थियों से मैं जुड़ा रहा हूँ और मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा है कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो 100 रुपये की कोई किताब खरीद सके या फिर कोई नोट्स खरीद सके। अब प्रश्न आएगा कि आखिर जब पैसे नहीं है तो हम कौन से विकल्प को अपनाएं, किस तरह से पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो उसके लिए बस थोड़ा सा आपको मेरी पूरी बात को सुनना होगा। देखिए, अभी हमारे सामने बिहार पीसीएस का पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर है। ये दोनों ही परीक्षाएं लगभग लगभग मानकर चलिए कि दिसंबर जनवरी के आसपास होने वाली हैं। इसका मतलब है अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप पहले से थोड़ा सा कुछ पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो चीज़ें बताऊंगा आप बस उसको फॉलो कीजिएगा और इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ आप मेहनत कीजिए कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है। मुझे भी पता है कि इस भरोसे और इस उम्मीद का रिजल्ट जब आएगा और अगर वह निगेटिव होगा तो आपको काफ़ी दुख होगा। बावजूद इसके मैं यह कह रहा हूं कि आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, आप अपने रिजल्ट को सिक्योर कर सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार पेपर दे रहे हैं तो आखिर आपसे वहां पर क्या क्या पूछे जाने वाला है। आपसे वहां पूछा जाएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो आपसे मॉडर्न, मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। ज्योग्राफी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी और स्टेट स्पेशल भी आपसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। ठीक इसी तरह से अगला जो सेगमेंट जहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं वह है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेकर अगर राज्य के स्तर पर कुछ प्रयास हुए हैं तो वह राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात बिहार के स्टूडेंट के लिए बिहार का जो इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी या फिर जो हिस्ट्री की जानकारी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला जो सेगमेंट आपको फेस करना होता है वो है पॉलिटी का सेगमेंट, जिसको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम नाम दे देते हैं। उसके बाद जो विषय आता है वो है इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस का रोल ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा रोल यहाँ पर कम होता है। और इसके साथ आपको स्टेट स्पेशल कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अर्थात अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को यही पेपर या यही विषय आपको पढ़ने हैं। बस क्या करना है, जब आप बिहार देंगे तो आपको कुछ बिहार स्पेशल, अर्थात बिहार का पॉलिटी, बिहार का जो है कि ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की इकोनॉमी का कुछ आपको थोड़ा सा नोट्स या फिर कोई क्लास की जरूरत होती है, वो सभी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये विषय आपको पढ़ने हैं तो आखिर कैसे पढ़े अगर हमारे पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आपको रिजल्ट मित्रा जो हमारा चैनल है उस पर जाना है और वहां पर देखेंगे तो बिहार पीसीएस की क्लासेस चल रही हैं, कुछ ही दिनों में वहां पर यूपी पीसीएस की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप कहेंगे सर अभी क्लासेस स्टार्ट होगी तो कब तक कवर हो पाएगा, तो दरअसल मैं आपको बताऊं कि हमारी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस जो चल रही हैं जो कि सभी पीसीएस के लिए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कल जो है कि इतिहास की जो क्लास स्टार्ट हुई वह आईएएस और पीसीएस दोनों ही स्टूडेंट के लिए। ठीक इसी तरह से अभय सर का जो हिस्ट्री का महामैराथन जाता है उसमें वह भले ही उस पर थंबनेल लिखा हो कि बिहार का, लेकिन दरअसल वह मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो जो भी हिस्ट्री या जो भी ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है वह सभी क्या होगा,
आपकी इस पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए भी यूजफुल होगा। जैसे इसी संडे को एक जो है कि मेरा महामैराथन आ रहा है जो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर होगा संडे को। अब संडे को सुबह 8 बजे जब आप जगेंगे तो आपको इस यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा पर आपको एक महामैराथन चलता हुआ दिख जाएगा जिसमें हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, वो वीडियो आपके सामने होगा। तो जो भी विषय हैं अगर आप उनको सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात कि आपको बस ये चाहिए कि कोई रिवीजन करवा दे, कोई पूरा क्रैश कोर्स टाइप का मिल जाए, तो आप हमारे चैनल पर जो भी क्लासेस चल रही हैं किसी क्लास को स्किप मत कीजिए। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और आने वाले दिन साइंस की क्लास चल रही है। ध्यान दीजिएगा, आप जो गलती करते हैं कई बार क्या होता है आप समझ ही नहीं पाते कि जो ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री, जो पॉलिटी, जो इकोनॉमी है ना, या फिर जो करेंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं वो सभी राज्यों के लिए एक ही जैसा होगा। अर्थात हम इस स्टेट स्पेशल अगर हम जो है कि इंफॉर्मेशन को छोड़ दें, जैसे कि आप देखेंगे कि बिहार स्पेशल की हमारी एक क्लास चलती है, अगर आप उसको छोड़ दें तो जो भी आप हिस्ट्री को ही ले लीजिए, तो हिस्ट्री जो है कि चाहे आप बिहार पीसीएस के लिए हो या फिर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री मॉडल एक ही सबके लिए रहेगी, मेड्यूल भी एक ही रहेगी हिस्ट्री और एंशियंट भी। ठीक इसी तरह से ज्योग्राफी, खासकर जो इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी है वो दोनों जगहों पर एक ही रहेगा, इकोनॉमी दोनों जगहों पर एक ही पढ़ाई जाएगी, है ना, इसी तरह से अन्य विषय। तो इन सबकी क्लासेस अपने प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं, सुबह से लेकर रात तक क्लासेस चलती हैं, आने वाले दिनों में और क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब आप कहेंगे कि सर आप तो इन क्लासेस को बूस्ट करने आए हो, प्रमोट करने आए हो। नहीं, अगर आपके पास थोड़ा सा और समय है और आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं तो मैं कुछ और बताने आया हूँ। जैसे आपको लगता है कि मेरे पास अभी 2 महीने हैं और आपके पास 2 महीने से ज़्यादा समय है, मैं इस बात को भली भांति जानता, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी के साथ कुछ मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूं उनको देख सकते हैं। अगर आपने उन प्लेलिस्ट को देख लिया, और ध्यान दीजिएगा प्लेलिस्ट के साथ साथ ये जो प्लेलिस्ट है और जो हमारी क्लासेस यूट्यूब पर चल रही इनको आप देखते रहे, और इसके साथ सिर्फ घटनाचक्र भी किसका लेना है, साइंस का ले लीजिए, हिस्ट्री का ले लीजिए, ज्योग्राफी का ले लीजिए, पॉलिटी का और इकोनॉमी का, और घटनाचक्र कोई जरूरी नया लीजिए, आप पुराना भी ले लीजिएगा चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दो काम, कुछ मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूँ उनको देखिए, और जो अपने चैनल पर डेली क्लासेस सुबह से लेकर रात तक लाइव हो रही हैं उनको देखिए और घटना चक्र को पढ़ लीजिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। जैसे बिहार पीसीएस के लिए हम एक ऐसा नोट्स तैयार करवा रहे हैं जहां पर बिहार पीसीएस का जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा आपको उस नोट से मिल जाएगा, और वो नोट्स भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए भी यूपी स्पेशल क्लासेस भी हमारी इस यूट्यूब चैनल पर कुछ दिन में लाइव होंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे। कौन सी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो है कि मेरी प्लेलिस्ट है, 22 वीडियोज है। किसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी, तो इससे जहां पर आप किसी भी राज्य पीसीएस को देंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, तेजी से देखने के लिए इस क्लासेस को, ये प्लेलिस्ट को 1.5 या 2 की स्पीड में देख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको यह जो है कि मैपिंग का जो सेगमेंट है इसको वीडियो देख सकते हैं, या इसके अलावा मैं एक और बता दूं, ये मैपिंग मत देखिए, थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी की ये आप प्लेलिस्ट ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं, एक सेकेंड, मैं आपको जो प्लेलिस्ट बता रहा हूं उनको ध्यान से देखिएगा। ठीक, उसके बाद ओसनोलॉजी की आप प्लेलिस्ट देख लेने हैं, उसके बाद आप जो है कि यहाँ पर एक सेकेंड, पॉलिटी की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको आपको देखना है। ठीक है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट ये देख ली, इन्वायरमेंट इकोलॉजी इसकी आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हाँ, ये रहा पॉलिटी का, इसको आप तेजी से देख सकते हैं। ठीक है, ये आप पीसीएस के प्रीलिम्स की स्पेशल जो है इंडियन ज्योग्राफी है आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए पहले से ही बहुत सी क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं, है ना, जैसे अगर आप यूपी के लिए हैं तो ये पॉलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पहले से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है कि एनसीईआरटी की क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी,
और बहुत सी प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, और धैर्य नहीं है तो फिर मैं अब क्या ही कह सकता हूँ। इस देख सकते हैं सभी परीक्षाओं के लिए आप जो है कि हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, आप अभय सर के इसको देख सकते हैं, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट इधर है मेरी, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यूपी स्पेशल क्लास 13 क्लासेस हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए अगर आप इतिहास, जो अब इतिहास की क्लास चल भी रही है, और भी तेजी से निपटाना चाहते हैं, ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो कंप्लीट ज्योग्राफी मैपिंग है ये, और इसको जब खोलेंगे तो चार महामैराथन मिलेंगे 8-8 10-10 घंटे के, आप इन महामैराथन को देख सकते हैं। इतिहास का भी महामैराथन है, ज्योग्राफी का भी है, मैपिंग का भी है, इतनी शानदार ये क्लासेस है ना, आप देख लेंगे तो आपको मजा आ जाए। तो इसी तरह से आप प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, जो जो आपको अच्छी लगे, मैंने कुछ प्लेलिस्ट आपको बता दिया है ना। आप देख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी की प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्लेलिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं, और है ना, तो बहुत से प्लेलिस्ट है। और लाइव आपको पता ही है क्लासेस डेली यहाँ पर क्या होता है, लाइव क्लासेस चलती हैं डेली, क्लासेस बहुत सी क्लासेस जा रही हैं। अगर आप इन्हीं क्लासेस को फॉलो कर लीजिए, जो हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए, और आप घटना चक्र जितना थोड़ा बहुत पढ़ पाए पढ़ लीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप मुझे पता है कि मैं कितना भी कह दूं कि इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपका मन ना माने, लेकिन माने मनाइए अपने मन को। हम लोगों ने इन परीक्षाओं को बहुत लंबे समय तक देखा है, इन बच्चों को तैयारी करवाया है, हमें अनुमान है कि, और अगर जितना कंटेंट आप तक अभी जो मैंने कुछ प्लेलिस्ट बताया जो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, और जितनी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ना, इतना किसी पेड बैच में भी मेहनत नहीं होता। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बिहार से हैं तो ऐसा ना हो कि यूपी के नाम से अगर कभी इतिहास पढ़ाया जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा, वही मेडुअल मॉडर्न और जो है कि एंशियंट होगा। ऐसे ही पॉलिटी की जब क्लास आईएएस पीसीएस लिख कर आए, और सभी राज्य लिख कर आए, तो आपको इन क्लासेस को देखना चाहिए। अब मैं ये वीडियो इसलिए भी शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किताबों को पढ़े जा रहे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है दरअसल पढ़ना क्या है। तो आप सिर्फ मेहनत मत कीजिए, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, और इसका प्रमाण क्या है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैंने आपको कुछ प्लेलिस्ट बताया, जो अपने यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं या जो चालू होने वाली, इन सभी क्लासेस को आप अगले 15 दिन तक देख लीजिए, और 15 दिन मेहनत करके, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा खूब मेहनत करके देखिए। और फिर आप क्या कीजिए, आप बिहार या उत्तर प्रदेश जहां से भी हैं, आप वहां पर अगर कोई भी आप पेपर उठाकर PYQ का देख लीजिए, कोई टेस्ट सीरीज उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे, छपते हुए नजर आएंगे। इसलिए प्लीज पैसे को लेकर परेशान मत होइए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। अब आपको यहाँ पर पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत की जरूरत है। तो मैं फिर से एक ही चीज कहूंगा कि अभी बहुत समय है, और जो समय है उसके हिसाब से ही हम क्लासेस चला रहे हैं। अब आपकी स्मार्टनेस इसमें है कि आप इनका प्रयोग कर पाते हैं कि नहीं। अगर जो उपलब्ध प्लेलिस्ट है, जो क्लासेस जा रही है, जो नोट्स हम दिलवाएंगे, नोट कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए रिजल्ट मित्रा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, रिजल्ट मित्रा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सभी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो कहीं से ये प्लेटफॉर्म आपसे पैसा नहीं मांग रहा, पैसा लेने नहीं आए हैं, पैसा लेने आए होते तो फ्री में कैसे बात करते, या कैसे कहते कि बिना पैसे के आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया है कि अगर आप इन क्लासेस का जो लाइव चल रही है, जो प्लेलिस्ट मैंने बताया, और इनका फॉलो करेंगे, आप रिजल्ट मित्र ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जो नोट्स हैं उनका प्रयोग कीजिए, आप देखिए आपको ना ऐसा एहसास अगले 1 महीने में हो जाएगा कि अगर आज भी आपका पेपर हो जाए तो आप सिलेक्शन हो सकते, बस आपको मेहनत करना होगा। और मेहनत नहीं कर सकते और पैसे भी नहीं है तो फिर हम सपना ही हमें नहीं देखना चाहिए। इसलिए 10 घंटे 12 जितना मेहनत कर सकते हैं मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, और सभी क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।